लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं आपके साथ सानिया जैन। दर्शकों, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर भोपाल वासियों को एक नई सौगात दी है। आइए इसी पर दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एमपी नगर स्थित गायत्री मंदिर के पास मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर राजधानी वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मेट्रो रेल की परियोजना में पहले चरण में 27.87 किलोमीटर का रूट तैयार किया जाएगा, जिसमें 2 किलोमीटर का कॉरिडोर निर्मित होगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मंत्री पीसी शर्मा, गोविंद सिंह, आरिफ अकील और जयवर्धन सिंह और पूर्व सांसद पीसी शर्मा मौजूद रहे। कमलनाथ ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो होगा। शिलान्यास से पहले 11 पंडितों ने मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पट्टिका का अनावरण किया। बताया जा रहा है कि राजधानी में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर की मेट्रो रेल जैसी ही होगी, लेकिन वहां 6 कोच की मेट्रो चलती है, यहां 3 की मेट्रो चलेगी। शुरुआत भले 3 कोच की ट्रेन से होगी, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कोच में इजाफा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आईडी थोड़ा आगे कर लीजिए, आईडी आईडी आईडी। और मुझे विश्वास है कि भोपाल, अरे माइक, अरे कौन है हाथ पकड़ा हुआ है मेरा यार, भोपाल में लोगों को सुविधा प्राप्त हो, मोबाइल नीचे कर लीजिए, भोपाल कराया जाएगा। केवल स्मार्ट सिटी नहीं रहेगा, भोपाल एक एक्सेलेंट सिटी रहेगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। लगातार नई अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।